डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 3 की, और इसमें हम देखेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च क्या क्या है। और दोस्तों आपने एग्जाम में देखा होगा सिंपल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर रिसर्च प्रपोजल और साइंटिफिक रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस क्लास में हम दोस्तों सबसे पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड 2012 से लेकर आज तक जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद में PYQ दोनों चीज़ें एक ही क्लास में होने वाली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTA UGC NET एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टेप एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च, और हम पहले रिसर्च में पढ़ के आए हैं। दोस्तों रिसर्च क्या होती है? एक कर्मिक प्रक्रिया होती है, यानी कि जो रिसर्च है रिसर्च को साइंटिफिक वे में और सिस्टमैटिक वे में किया जाता है। साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे का मतलब ये है कि जो स्टेप हमने निर्धारित किए उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। ये नहीं है कि पहले कोई सा स्टेप कर लिया, फिर कौन सा कर लिया, फिर कौन सा कर लिया, ऐसा उसमें नहीं हो सकता। जो हमने स्टेप बना रखे उसी के अकॉर्डिंग चलना जरूरी है जी। तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है हमारा सिंपल रिसर्च आती है। सिंपल रिसर्च के क्या क्या स्टेप है वो हम देखते हैं। एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके अंदर नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिसर्च करने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, रिसर्च की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। रिसर्च करने के लिए दोस्तों सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, इसको कई बार एग्जाम में ऐसा भी लिखा गया कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, फाइंड आउट द क्वेश्चन, और इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलता है। तो अगर वहां पर यह लिखा जाए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन या फाइंड आउट द क्वेश्चन, रिक्वायर्ड क्वेश्चन, तो वो चीज भी सही है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। अब कोई भी जब रिसर्च करेगा, PhD के लिए जाएगा, प्रपोजल बनाएगा, तो सर उसको एक चीज बोलेंगे, भाई आप किस समस्या पे रिसर्च करना चाहते हो, पहले आपकी समस्या बताओ। अब बच्चा ये बताए जी मैं ना एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहता हूँ जिससे 30 किलोमीटर दूर रह के हम बात कर सके, तो सर वहीं पे उसको मना कर देंगे, भाई ऐसे तो रिसर्च हो चुकी है, ऐसा हमने मोबाइल बना रखा है, तो तू यहीं पर बंद कर अपनी रिसर्च को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है, भाई हम इस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाहते हैं और हमारे ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में आता है नंबर दो पे लिटरेचर सर्वे। अब टीचर हमें बोलेंगे, जैसे हम मान के चले कि मुझे रिसर्च करनी है साइबर क्राइम पे, तो सर बोलेंगे भाई ये साइबर क्राइम से रिलेटेड आज तक जो जो काम हो चुका है वो आप देखो, किन किन लोगों ने काम किया है। और जैसे मान के चलिए मैं रिसर्च करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, युवाओं पर उनका मानसिक जो मानसिक कैसे बदलाव हो रहा है अपनी थिंकिंग में, तो ये चीज़ें मेरे को देखनी है। अब मैंने रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू में देखा भाई इस टॉपिक पे तो हज़ारों स्टडी पहले हो चुकी है,
जो क्वेश्चन मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, जो प्रॉब्लम मैं देखना चाहता हूं, उस प्रॉब्लम का आंसर मुझे पहले ही मिल चुका है, तो हमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी हमें कहां पता चलता है? जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं, तब हमें जाके पता चलता है जिस समस्या पे हम काम करने वाले हैं ना, उसका तो समाधान मिल चुका है, और जिसका समाधान मिल गया उस पर हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर दो पे लिटरेचर सर्वे या लिटरेचर रिव्यू आता है हमारा। उसके बाद में दोस्तों मेकिंग हाइपोथेसिस। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कोई भी हम काम करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है ना, हमारी हाइपोथेसिस होती है भाई मेरे यार अब की बार 180 नंबर आ जाएंगे, अब की बार मेरे 200 नंबर आ जाएंगे, अब की बार तो यार मैं जेआरएफ कर लूँगा, नेट तो हो ही जाएगा मेरा, है ना। तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, आने वाले समय के बारे में सोचते हैं, भाई हमारी जो रिसर्च है वो ऐसी होने वाली है, हमारा काम का रिजल्ट ये होने वाला है, तो पहले ही हम हाइपोथेसिस बना के चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो इसी तरह से रिसर्च में हम देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा मानना ये होता है कि हो सकता है, हम सोचते हैं भाई सोशल मीडिया का आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो युवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज लोग हैं वो बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमने हाइपोथीसिस बना ली पहले ही जी। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नंबर चार पे रिसर्च डिज़ाइन। अब इसमें हम रिसर्च डिज़ाइन देखेंगे, भाई हमारी जो रिसर्च है वो कैसे करनी है, हमें ऑफलाइन जाके लोगों का सर्वे करना है, या फिर ऑनलाइन सर्वे करना है, या फिर इंटरव्यू लेना है लोगों का, या फिर क्लास में जाके बात करनी है, कैसे करनी है, वो सारा हम रिसर्च डिज़ाइन में बताते हैं। उसके बाद में सैम्पलिंग। सैम्पलिंग भाई जो हम रिसर्च करना चाहते हैं उसमें सैम्पल तो चाहिए ना हमें, सोशल मीडिया पे रिसर्च कर रहे हैं तो लोग तो चाहिए जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सैंपल हम कैसे इकट्ठा करेंगे, उसका तरीका ऑनलाइन का होगा, ऑफलाइन का होगा, कौन सी जगह का हम सैंपल इकट्ठा करेंगे, क्या हम पूरे इंडिया का सर्वे कर रहे हैं, या हरियाणा का सर्वे कर रहे हैं, या किसी राज्य जिले का सर्वे कर रहे हैं, तो वो हमें सैम्पलिंग में बताना पड़ेगा, भाई हम इस एरिया की सैम्पलिंग कर रहे हैं, और वो सैम्पलिंग कैसे कर रहे हैं, रैंडम तरीके से कर रहे हैं, नॉन रैंडम तरीके से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी होगी। उसके बाद में दोस्तों डेटा कलेक्शन है। अब देखिए, हमने सारा डिसाइड कर लिया भाई यहाँ यहाँ से हमें सैंपल इकट्ठा करना है, ये करना है, तो फिर क्या कि हम पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड, जिन जिन लोगों ने जो सर्वे में आंसर दिया वो सारा कलेक्शन करेंगे। अब 500 लोगों ने सर्वे भर लिया तो पूरा डेटा कलेक्शन हम कर लेंगे। उसके बाद में आता है हाइपोथीसिस टेस्टिंग, या इससे पहले एक और स्टेप आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस बोलते हैं। डेटा एनालिसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस में जो हमने डेटा इकट्ठा किया उसको एनालिसिस करके देखते हैं। अब 500 लोगों का हमने सर्वे किया, जिसमें बूढ़े ने भी आंसर दिया है, 30 साल का जो लड़का है उसने भी आंसर दिया है, 20 साल के ने भी, 50 साल के ने भी, सभी ने मिक्सअप दिया है। अब हम उसको एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम उनको सभी को डिवाइड कर लेंगे, जो 30 साल से ऊपर के उनको अलग, 50 साल से ऊपर है उनको अलग, जो शहर में रहते उनको अलग कर लिया, गांव में रहते उनको अलग कर लिया, फिर उसको हम एनालिसिस करेंगे, भाई 20 साल से लेके 30 साल के लोग कितना इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, वो हमने देखा, उन लोगों में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हमने देखे, और जो बड़े लोग हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमने देखा, तो उसको हम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस के दौरान हम देखते हैं कि जो हाइपोथीसिस हमने बनाई थी, जो परिकल्पना हमने पहले की थी, क्या उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा आया है क्या। अब हमने देखा पहले परिकल्पना बनाई थी भाई जो युवा है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका इंटरनेट का, तो हमें पता चला रिसर्च में हाँ भाई रियली में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक और हाइपोथेसिस हमने बनाई थी कि जो ओल्ड एज लोग हैं वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसका, तो इस हमने जब डेटा एनालिसिस किया तो उसमें पता चला भाई बहुत कम तो नहीं, लेकिन उससे थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल करते, जो हमने सोचा था उससे थोड़ा बढ़ के हमारा डेटा निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यही होता है कि जो हमने सोचा है क्या वैसी ही हमारी रिसर्च हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद में व्याख्या करना या जनरलाइजेशन करना, जो हमने डेटा कलेक्शन किया, एनालिसिस किया, उसको जनरलाइज करते हैं हम, उसको उसके बारे में बताते हैं भाई आज के हमारे परिवेश में इतने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल
करते हैं और इतने इस्तेमाल करने से उनके व्यवहार में ये परिवर्तन आ रहा है। एक दिन में एवरेज जो लोग हैं 4 घंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इसमें हम पूरा बताते जर्नलाइज करते हैं, व्याख्या करते हैं उसकी जो हमने रिसर्च की है। उसके बाद में हम करते हैं कंक्लूजन करते हैं, फिर कंक्लूजन क्या निकलता है, हमारी रिसर्च से ये कंक्लूजन निकला कि एवरेज जो लोग हैं वो 4 घंटा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। वो ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते और वो क्या है कि जब भी कोई उनके घर में रिश्तेदार वगैरह आता है तो वो ज़्यादा सोशल मीडिया को टाइम देते ना कि अपने रिश्तेदार को। तो इस तरह से कंक्लूजन हम उसमें देंगे, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, हम उसके अंदर लास्ट में जाके उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो मेनली इसमें ये ऑप्शन है दोस्तों, ये स्टेप दिए हैं सिंपल रिसर्च के। और इसके जो दोस्तों आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, इसमें कोई 4 स्टेप दे देंगे, हमने क्या है 10 स्टेप देखे, इसमें क्यों कोई 4 स्टेप दे देंगे और वो बोलेंगे कि इनको आप सीक्वेंस वाइज लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए आप इनको, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा साइंटिफिक रिसर्च और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आए एग्जाम में। देखिए साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथीसिस, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं और फिर बाद में लो का निर्माण करते हैं। अब देखिए ऊपर हमने क्या देखा था, सिंपल रिसर्च में सबसे पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं उसके बाद काम करना शुरू करते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा नहीं है, इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम। अब देखिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बना था, न्यूटन क्या थे, न्यूटन तो बेचारे आराम से बैठे थे, ठीक है, अपने खेत में बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो तो सोच रहे थे बेचारे भाई कल मैं मामा के जाऊँगा, वहाँ जाके मैं मौज मस्ती करूँगा, नानी मेरे को 50 रुपये देगी, फिर मैं ये करूँगा, उसकी चीज़ी खाऊँगा, वो तो बेचारे ऐसे सोच रहे थे, है ना। ऊपर से उनके सेब गिर गया उनके सिर पे, ओहो ये क्या हो गया। फिर उसने देखा भी ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, फिर वो दूसरे दिन उसने देखा, तीसरे दिन उसने देखना, तो फिर उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया भी ये जो चीज़ है ऊपर से नीचे क्यों गिर रही है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसने चीज़ों पे निगरानी करनी शुरू कर दी, उस ऑब्जर्वेशन से उसको उसने फिर हाइपोथीसिस बनाई। हाइपोथीसिस क्या बनाई, भाई कोई भी चीज़ ऊपर से पड़ेगी वो नीचे ही गिरेगी, ठीक है। और फिर उसने कई मतलब कल्पनाएं करनी शुरू कर दी, भाई ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, ठीक है। फिर उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन शुरू की, उसने सेव के अलावा फिर और कोई चीज़ लेके आए वो नीचे डाल के देखी, और चीज़ लेके आए फिर वो नीचे डाल के देखी, उसने 20 चीज़ें डाल के देखी, उसने वेरिफिकेशन की क्या रियली में ऐसा होता है या सेव के साथ ही ऐसा होता है। अब उसे वेरिफिकेशन कर ली उसने हर एक चीज़ की, फिर उसने क्या बना दिया, लो बना दिया, फॉर्मेशन ऑफ लो या फिर थ्योरी, उसने ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का बल उसने दे दिया। तो ये होता है दोस्तों हमारा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, और आप इसमें हिंदी में भी देख सकते हैं सह विचरण, भ्रामक संबंधों का विचरण, सामान्यकरण, सिद्धांतिकरण। अब देखिए कई बार एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम में आपको क्या है कि एग्जैक्ट क्या पता ये चीज़ देखने को ना मिले, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथीसिस ना देखने को मिले, इसके जगह कोई और नाम भी आ सकता है, ये जो स्टेप है वो भी थोड़े मोटे अलग आ सकते हैं, बट आपको अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगानी है, भाई हमने क्या पढ़ा है, एग्जाम में क्या आया है, उसको रिलेट करके चलना है, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं वो हमें देखना जरूरी है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च को हम क्रियात्मक अनुसंधान भी बोलते हैं, और इसका जो स्टेप है वो है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट करना। अब देखिए एक्शन, कोई समस्या आ गई, एकदम से कोई समस्या आ गई, अब उसका हमें समाधान करना है, जैसे कोरोना वायरस आ गया, पहले से तो डिसाइड नहीं था भाई कोरोना वायरस आएगा, एकदम से आ गया, हमने क्या कि प्लान बनाना शुरू कर दिया, आज रात 8 बजे संपूर्ण देश में लॉकडाउन, ठीक है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, और जो अस्पतालों के कर्मचारी थे उनकी छुट्टी रद्द कर दी, स्कूलों की छुट्टी कर दी, कॉलेज की छुट्टी कर दी, और सभी में लॉकडाउन लगा दिया, कोई किसी से बात नहीं कर, मतलब घूम फिर नहीं सकता, पूरा प्लान बना लिया। फिर पहले तो प्लान बनाया, उसके बाद फिर उसको एक्ट में लेके आए, एक्ट में कैसे, कोई भी अगर घूमता फिर रहे ना उसको
उसके पिछवाड़े पे मारो, पुलिस को आदेश दे दिए गए, कोई भी नहीं मान रहा है उसकी कुटाई करो, ठीक है, एक्ट एक्ट में लाना शुरू कर दिया, उस पर कार्यवाही होनी शुरू हो गई। फिर ऑब्जर्व, अब देखा सरकार ने, देखा भाई यार इतनी सख्ताई करनी तो ज़रूरी नहीं है, इतना तो ज़्यादा मतलब कोरोना नहीं फैल रहा। अब कई कई लोगों ने, आपने भी देखा होगा, आप कई लोगों से मिले जुले जिनको कोरोना हुआ था, लेकिन आप लोगों को नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कोई डेफिनेट नहीं था भाई हम किसी से मिलेंगे तो हमको कोरोना होगा ही होगा। सरकार ने ऑब्जर्व किया भाई हमें नियमों में थोड़ी ढील देनी चाहिए, तो सरकार ने ऑब्जर्व करके नियमों में ढील दी। उसके बाद में रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट मतलब उसको बिल्कुल तरीके से सरकार ने उसको समझ लिया और आगे भी उसको फिर इम्प्लीमेंट करते गए। तो ये चीज़ होती है दोस्तों हमारी एक्शन रिसर्च के अंदर, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। और एक्शन रिसर्च में तत्काल जो भी है समस्या का समाधान किया जाता है जल्दी से जल्दी, प्लस में ये क्या होती है कि हमारे नेचर में साइक्लिक होती है, ये जो है कि हमारा जो सर्कल है वो ऐसे चलता रहता है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, उसके बाद में फिर से प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये चीज़ें चलती रहती है। अब उसके बाद में दोस्तों शोध निबंध के तत्व, जो हम डेजर्टेशन लिखते हैं तो उसके क्या क्या तत्व हो सकते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और रिसर्च आर्टिकल जो लिखते हैं उसमें क्या क्या होगा, उसमें दोस्तों इंट्रोडक्शन होगा हमारा, लिटरेचर रिव्यू होगा, रिसर्च मेथोलॉजी बताएंगे भाई हमारी रिसर्च में क्या क्या मेथोलॉजी लगने वाली है, उसके बाद में जो रिजल्ट निकलेगा वो हम उसमें बताएंगे डायरेक्टली, और उसके बाद में डिस्कशन एंड कंक्लूजन देंगे। मुख्य रूप से 5 स्टेप इसमें होते हैं शोध निबंध के तत्व में या डेजर्टेशन में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसको बोलते हैं, जिसमें हम मतलब उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं, उसमें एक्सप्लेन नहीं करते, केवल उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने पहले की क्लास में, स्कूल में क्या है कि 6वीं 7वीं क्लास में जो टीचर हमें खड़ा करते थे और बोलते थे बच्चे ये एक लेसन पढ़, एक ये पेज पढ़, तो हम क्या है कि उस पेज को पढ़ते थे, ठीक है, एक राजा था और उसने ये किया वो किया, हम पढ़ रहे थे, हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है। सर फिर क्या बोलते थे, भाई बैठ जा अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। हमारा काम क्या होता था, उसको डिस्क्राइब करना, उसको पढ़ना, उसकी व्याख्या करना, उसको समझाने का काम टीचर का होता था। तो ये चीज़ इसमें होती है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की व्याख्या करना, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, अब जो टेक्निक हमें सिलेक्शन करनी है वो हम इसमें करेंगे, पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसकी, ऑब्जेक्टिव्स की, उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन और एनालिसिस, फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है दोस्तों स्टेप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद में जो लास्ट में सबसे आता है दोस्तों रिसर्च प्रपोजल या फिर रिपोर्ट। अब आप रिसर्च करेंगे पीएचडी में तो आपसे पूछेंगे भाई आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, उसका प्रपोजल दीजिए हमें। प्रपोजल का मतलब है कि आने वाले 5 साल में आप क्या क्या करने वाले हैं, आपका क्या उद्देश्य है, वो चीज़ें हमें इसमें बतानी होती हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें इंट्रोडक्शन देना है, भाई हमारी रिसर्च इस विषय पे है, हम इस विषय पे रिसर्च इसलिए करना चाहते हैं, इसका रीज़न ये है वो है, वो सारा इंट्रोडक्शन हमें देना होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले। फिर हम एम बताते हैं, हमारी रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम रिसर्च करना चाहते हैं, इससे हमारे समाज को क्या फायदा होगा वो हम बताएंगे। उसके बाद में जैसे एम और ऑब्जेक्टिव लगभग दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद में मेथोलॉजी, हमारी जो रिसर्च होगी उसमें कौन कौन से मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग क्या क्या है हमारी रिसर्च की वो हम बताएंगे, क्या क्या हो सकती है। फिर कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद में रिकमेंडेशन में हम ये देंगे भाई हमारी रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है, इससे आने वाले समाज को क्या फ़ायदा हो सकता है, आने वाले रिसर्चर को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो वो इसमें हम रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारी रिसर्च, मुख्य रूप से 6 तरह की ये रिसर्च थी। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें भाई, आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं क्वेश्चन करने के लिए। चलिए देखते हैं कितना कुछ सीखा है आप लोगों ने, और अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी हमारे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है ये पहला। फिर लिसनिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये भी बात सही है इसकी। उसके बाद में डेटा कलेक्शन, ठीक है, और मेथोलॉजी। अब इसमें फंस गए आप, अब ये बताओ आप
डेटा कलेक्शन पहले आएगा या मेथोलॉजी पहले आएगी? पहले तो हम मेथोलॉजी डिसाइड करेंगे ना, पहले ये आएगा, पहले मेथड डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड हम इसमें रिसर्च में लगाएंगे, ठीक है। नंबर 3 पे आएगा हमारा मेथोलॉजी, नंबर 4 पे आएगा डेटा कलेक्शन, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएंगे ऊपर नीचे। उसके बाद में डेटा एनालिसिस और फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 2 4 3 5 6। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए जैसे ये आ गया सिक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च। अब देखो साइंटिफिक रिसर्च में क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, ये देखो, ये हमने पढ़ा था ना, सह विचरण, भ्रामण, संबंधों का बहिष्करण, सामान्यकरण और सिद्धांतिकरण। अब देखिए इंग्लिश में इसको थोड़ा सा अलग करके दे दिया, कोवेरिएशन, एलिमिनेशन ऑफ सुपीरियर्स रिलेशनशिप, जनरलाइजेशन एंड थ्योराइजेशन। अब देखिए मैंने आपको बोला था चीजें थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन आपको यह देखना भाई हमने क्या पढ़ा था और इसमें क्या आया है। हमने क्या पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च में, लास्ट में सबसे क्या ऑप्शन था हमारा, वो देखा था ना हमने, न्यूटन का देखा था, ऊपर से सेव पड़ गया। लास्ट में जाके क्या है, वो थ्योरी बना रहा है ना, लॉ बना रहा है, ग्रेविटेशनल थ्योरी का निर्माण कर दिया। तो साइंटिफिक रिसर्च में सबसे लास्ट में होगी हमारी थ्योरी होगी, सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फिर हाइपोथीसिस बनाएंगे, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, हाइपोथीसिस के बाद में हम क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, ऐसा कुछ है। चलो हम देख लेते हैं, मैं भी भूल गया, इसमें हम करेंगे देखिए ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, हाँ नंबर 3 पे वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में हम थ्योरी बनाएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये हमें देखना है दोस्तों कि हमने क्या पढ़ा है और एग्जाम में क्या आया हुआ है, हम उसको रिलेट करके चलेंगे। आगे दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए ये है हमारा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्शन रिसर्च का हम पढ़ के आए, इसके क्या क्या स्टेप है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा इन विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च द स्टेप ऑफ रिसर्च हैव टू बी साइक्लिक, साइक्लिक मैंने बताया था ना, चक्रीय शोध किस में होती है, वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें, ये देखिए रिसर्च, एक मिनट रुको, ये देखिए फोर मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में क्या फोर मेजर है स्टेप। अब ये देखिए कोवेरिएशन पढ़ा था लास्ट में, देखो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी का निर्माण करना पढ़ा था हमने, ठीक है। थ्योराइजेशन किस में, एफ में, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना भाई, ऊपर मैंने बताई हुई है, सारी की सारी चीज़ें बताई हुई है। अब आगे हम देखें साइंटिफिक रिसर्च से फिर से क्वेश्चन आ गया है हमारा, तो ये देख लेना आप, और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों भाई कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन करे कौन सा छोड़े, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के इन्होंने स्टेप पूछ लिए, ये आप देख लेना, और उसके बाद में हम देखें एम्पेरिकल स्टडी के भी इन्होंने दे दिए यहाँ पे। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े, एम्पेरिकल स्टडी है, अब हम इसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग अपनी लगाएंगे। कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, चलो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको नहीं पता, एब्स्ट्रैक्ट मैं बता देता हूँ, सारांश होता है थोड़ा सा ऊपर, जो हम रिसर्च करने वाले जो हमारी रिसर्च में उसका सारांश होता है। अब देखो चलो ये छोड़ो, ये तो हमने पढ़े हैं ना, मेथड डेटा रिजल्ट कंक्लूजन। अब देखिए ये क्या चीज़ आएगी हमारा, पहले मेथड आएगा क्या, पहले मेथड आएगा या डेटा आएगा, पहले ये बताऊँ, पहले तो मेथड आएगा ना, 2 नंबर पे मेथड आएगा, 3 नंबर पे हमारा ये आएगा, 4 नंबर पे हमारा कंक्लूजन आएगा, और फिर आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये देखो 3 नंबर पे सबसे पहले क्या आ गया हमारा, अब्स्ट्रैक्ट आ गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मेथड आ गया, नंबर 3 पे डेटा कलेक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा कंक्लूजन आ गया, रिजल्ट आ गया, फिर आ गया हमारा कंक्लूजन। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं भाई, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा आंसर आया है, सॉरी ये क्वेश्चन आया 2023 में, ठीक है। तो ये भी इस इन्होंने स्टेप पूछे हुए यहाँ पे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोट्स है, अगर आप ये नोट्स लेना चाहें, ये क्वेश्चन लेना चाहें दोस्तों, हमने क्या कर रखा है 2012 से लेके 2023 तक, अभी तक जो भी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर हुए उनके क्वेश्चन हमने यूनिट वाइज
और सब टॉपिक वाइज अलग अलग किए हुए हैं। जैसे कि आज तक जो भी क्वेश्चन रिसर्च के आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, और रिसर्च में भी टाइप ऑफ रिसर्च से रिलेटेड जो है वो अलग है, वेरिएबल से अलग है, सैम्पलिंग से अलग है, और अभी आपने देखे स्टेप ऑफ रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो सभी हमने अलग अलग कर रखे हैं। अगर आपको ये लेने हैं तो दोस्तों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, निमीज नेट ऐप डाउनलोड कर लेना, और या फिर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, और बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आगे क्लास बनाएं? अगर आप ऐसा चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आगे हमें ऐसे क्लास बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीस नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।